शंकर भगवान सबका हाथ देखने लगे और हाथ दिखाने में सबसे नंबर एक भीड़ माताओं की होती, महिलाओं की, वहां भी हुई। कोई आई बोली, महाराज मेरे पति पति चाहे 3 लाख रुपया महीना कमाए लेकिन जब किसी से मिलेंगी हमसे मिले महाराज कुछ काम धाम नहीं करते, पता नहीं कितना काम धाम चाहिए। सदा अपनी कोई चिंता नहीं, या तो पति के बारे में या तो बेटे के बारे में, बहू के बारे में। एक आई हाथ दिखाई बोली महाराज बहुत बड़ी समस्या है, ये बहू जब से आई है तब से बेटे को मेरे छीन लिया है और मेरे से बहुत लड़ती है, सबसे बड़ा रोना यही। शंकर भगवान बोले जाओ तुम भी उससे लड़ा करो, समस्या खत्म हो जाएगी। हाथ देखते देखते काक भुसुंडी बोले बाबा 7वां दिन है बिना भोजन पानी किए और आप हाथ देखो, अब तो मैं अपने पर्वत पर जा रहा हूं, अपने आश्रम जा रहा हूं। शंकर भगवान बोले देख देख वो पीली पीली रेशमी साड़ी पहन करके जो दासी आ रही है ना, वो मुझे बुलाने ही तो आ रही है। काक भुसुंडी बोले 5 दिन से तुम्हारी कलाकारी देख रहा हूं, कोई पीला पीला कपड़ा पहनकर आता है, तुम कह रहे हो कि तुमको बुलाने आ रहा है, सब्जी लेने चला जाता है। किसी को कहते हो ये मुझे बुलाने आ रहा है तो बाजार की तरफ चला जाता है, रोज का काम। शंकर भगवान बोले काक भुसुंडी यदि इस दासी ने मुझे नहीं बुलाया ना तो मैं चला चलूंगा। दासी आई बोली बाबा जय शिव शंकर। काक भुसुंडी बोले तेरे नाम का इतना बड़ा भौकाल और प्रचार है, तू बता क्यों नहीं देता कि मैं शंकर हूं। शंकर भगवान बोले अपनी पहचान छुपा करके भगवान का दर्शन किया जाता है रे, हैं? न कि 1100 रुपया देके वीआईपी गेट से भगवान के दरबार में वीआईपी गेट। ये वीआईपी गेट क्या है जी, क्या है? भगवान के दरबार में तुम वीआईपी बनकर गए हो 1100 रुपया देके बेईमानी करके। बेईमानी तो है, 100 लोग लाइन में लगे, तुम बेईमानी करके पैसा देके तुम दर्शन करना चाहते हो। तुम परमात्मा को तो कभी नहीं पहचान पाओगे। एक मेरी बात नोट कर लो, जिसकी आराधना सजल होगी उसी की साधना सफल होगी। ईंट पत्थर भी देवता होंगे जब मेरी आस्था अटल होगी, सत्य जब आवरण रहित होगा, गूढ़ अभिव्यंजना सरल होगी। जो जी रहे हैं दूसरों के लिए उनकी चर्चा न आजकल होगी, ईंट पत्थर भी देवता होंगे। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, ये ना भूलिएगा। जहां भी चल देंगे, कौन क्या दासी सही में बुलाने आ रही है। शंकर जी जो देखे कि आई, कहा भाग्य खुल गए ज्योतिषी। काक भुसुंडी बोले तो चमत्कार पहली बार देखा, दुनिया का भाग्य आप बता रहे हैं, दासी आपका भाग्य बता रही है। कहा भाग्य खुल गए ज्योतिषी, चलो हमारे साथ। तो शंकर बाबा झोली लेके डमरू लेके खड़े हो गए, इसी 7 दिन की प्रतीक्षा में थे कि कब रामलला का दर्शन हो। लेकिन शंकर भगवान बोले देवी एक बात बताओ कि वहां चल के करें क्या। तो दासी बोली राजमहल में देखिए अब रामलला को हाथ। खड़े हो गए शंकर जी अलख निरंजन। काक भुसुंडी बोले बाबा बुलौआ तो आ गया, अपने साथ साथ दरवाजे के भीतर हमको भी ले चलना। शंकर भगवान बोले चुप, समय बताएगा। अच्छा तो काक भुसुंडी बोले समय आएगा तो हम भी बताएंगे, मेरा भी नाम काक भुसुंडी है, अगर धोखा दिया तो सारी पोल पट्टी खोल करके रख दूंगा जो 5 दिन से नाटक बना के घूम रहे हो। आगे आगे दासी, पीछे पीछे शंकर जी, उनके पीछे काले काले काक भुसुंडी। रघुनाथ के महल की तरफ धीरे धीरे चले जा रहे हैं। दासी पीछे घूम घूम के बार बार देख रही है ये काला काला लड़का कौन है, बाबा के साथ बिल्कुल जच नहीं रहा, पूछ ही बैठी बाबा ये लड़का कौन है। शंकर भगवान बोले ऐसा ही है, इसको देखो ही मत। जबकि 7 दिन से भूखा प्यासा बेचारा पीछे पीछे लगा। काक भुसुंडी ने शंकर भगवान का चद्दर पकड़ के घसीटा, ए सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा, ये जो ज्योतिषी कभी मदारी कभी कुछ है? ये तो वही वाला हाल हुआ, एक जगह रामलीला हो रही थी तो रावण के मरने का दिन था,
राम जी जो बने थे वो मंडली के मालिक ही थे, वो किसी तरह बेचारे सोच रहे थे रावण मर जाता, राम जी बाण मारे, रावण पकड़े पट्ट से तोड़े, सीना तान के खड़ा हो जाए। फिर राम जी मारे, 50 बाण तोड़ चुका लेकिन मरा नहीं, पर्दे के पीछे से भी लोग चिल्ला रहे मर जा रहे मर जा, वो सुनते ही नहीं। राम जी भी बड़े चक्कर में पड़े हैं, हर बार तो 32 बाण में मर जाता था, आज 50 टूट चुके हैं। राम जी धनुष घुमाते हुए बेचारे करें तो क्या नाटक पूरा करना, अरे मरता क्यों, मेरे दिमाग खराब है। रावण बोला दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है, 3 प्रोग्राम से पैसा मेरा बाकी कर रखा है, 6 महीने हो गए, पूरा पैसा दे दो तब मरूंगा नहीं, रात भर लड़ता रहूंगा, बताई देता हूं मेरे बाल बच्चे मिट्टी खा लेंगे। पर्दा खींचा गया, पूरा नाटक बिगड़ गया, माहौल खराब हो गया। शंकर भगवान से काकभुसुंडी बोले, मेरा नाम काकभुसुंडी है, अभी सब बता दूंगा, ये जो ज्योतिषी और मदारी है दुनिया भर का बेस बनाए अयोध्या। अरे शंकर भगवान बोले, देवी देवी ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है लड़का। दासी बोली, बाबा बुरा न मानिएगा, कितना बड़ा ज्योतिषी है। बोले मेरे से भी बड़ा। दासी बोली, तो आप बाहर बैठो, लड़का भीतर जाएगा। अरे भाई जब तुमसे भी बड़ा है तो। शंकर भगवान बोले, तो बहुत अनर्थ हो गया, अपने जाल में हम स्वयं फंस गए। काकभुसुंडी बोले, हाँ ये नकली भाग्य बताते हैं, अपना अपना भाग्य है, इनको लड्डू कचौड़ी बाहर भेज देना, खाते रहेंगे तब तक हम हाथ देख के बाहर आते। मेरे कहने का तात्पर्य है, शंकर भगवान किसी तरह भीतर गए, माता श्री कौशल्या ने चरण पखारे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, ए झोली कंधे पर टांगे चंदन केसर का लगाए, एक ज्योतिषी बाबा अयोध्या में घूम रहा है, वो कैलाशपति शिव, रघुनाथ के हाथ की रेखाओं को जब महादेव देखते हैं, वो हाथ की रेखाएं बोल रही है, कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, वही वाल्मीकि रामायण के श्लोक, सत्य वाक्यो धर्मव्रता चारित्रेण चको युक्ता, फलादेश करने लगे महादेव। माता तेरे बालक के जैसा गुणवान इस पृथ्वी लोक में कोई बालक नहीं है, रघुनाथ का हाथ पकड़ा है भगवान शंकर ने, और तेरे बालक के जैसा रूपवान, तेरे बालक के जैसा धर्मज्ञ, तेरे बालक के जैसा कृतज्ञ। और माता बार बार ब्राह्मणों के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी ये ब्राह्मणों पर संतों पर कभी क्रोध नहीं करेगा, शत्रु इसकी पीठ नहीं देख पाएगा और परस्त्री इसकी डीठ नहीं देख पाएगी, ये दो चीज इसका कोई ले नहीं सकता। एक छंद सुनाता हूं, राम जी ने सब दान दे दिया लेकिन दो दान नहीं दिया किसी को, दो चीजें राम जी से कोई ले ही नहीं पाया, ये छंद 4 पंक्ति का बड़ा कीमती है। कि दरस सुख दीने प्रभु मनु सत रूपा कहु, अपरस सुख दीने मुनि पत्नी बेचारी को, अशिशु सुख दीने कौशल पुरवासिन कहु, अपत्नी सुख दीने मिथिलेश की दुलारी को, मित्र सुख दीने कपिराज सुग्रीव कहु, अपुत्र सुख दीने अंजनेय ब्रह्मचारी को, और सर्वदान दीने पर दान दो न दीने राम, एक तो शत्रु को न पीठ और ना तो डीठ पर नारी को, सर्वदान दीने पर दान दो न दीने राम। माता ये आपका बालक शत्रु को पीठ नहीं दिखाएगा और पर स्त्री को आंख नहीं दिखाएगा। माता तब तक याद आ गया कि वो लड़का बाहर बैठा है, कुछ बता दिया तो अभी चारों तरफ भीड़ हो जाएगी, तो बोले माता आपके बालक के हाथ की रेखाएं बड़ी पतली पतली हैं, मेरे साथ में एक बालक भी है वो रेखाएं देखता है। अरे मैया कौशल्या बोली जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी, काकभुसुंडी आए राम जी का चरण पकड़ के मस्तक से लगाया और पैरों की रेखा देखने लगे। बोले मैया इसमें 14 बरस का वनवास लिखा है। शंकर बोले चुप चुप चुप, ये माहौल बड़े मेहनत से बनाया, तू बाहर ही बैठा अच्छा लगता था। हैं कौशल्या मैया बोली बाबा बच्चे हृदय के सच्चे होते हैं, बच्चा जो कुछ बोला है उसमें सच्चाई है। शंकर भगवान बोले सच्चाई तो है माता, लेकिन वो बाबा जो बक्सर वाले आएंगे ना इसाब के बेटे को लेकर के जाएंगे, रास्ते में 14 मील का जंगल पड़ेगा, उसी को 14 साल बोल रहा है, मैंने बात बदल दिया। हाँ वही वाली बात हो गई कि एक गांव में एक बहुत नामी वैद्य जी थे,
एक गांव का लड़का गया, बोले बाबा हमको भी शिष्य बना लो। वैद्य जी ने उसको शिष्य बना लिया। एक बार वैद्य जी किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो लड़के से बोले भैया कोई मरीज आए तो उसके घर जाके नाड़ी वाड़ी देख आना, हम आएंगे तो संभाल लेंगे। लड़का बोला आप भी गजब करते हो गुरु जी, हम कुछ जानते होते नहीं, हम बतावेंगे क्या? बोले देखो मैं ट्रिक बताता हूं तुमको, जो चिन्ह दिखाई पड़े, जो निशानी दिखाई पड़े, जैसे आलू का छिलका पड़ा हो तो ये कह देना कि मरीज जजमान तेरा मरीज आलू ज्यादा खा गया इसलिए बीमार पड़ गया। कटहल का छिलका पड़ा हो तो कटहल बता देना, भिंडी के डंठल पड़े हो तो भिंडी ही बोल, मैंने कुछ बोल देना तब तक हम आके संभाल लेंगे। एक दिन सही में एक मरीज आ गया तो लड़का कुछ जानता तो था नहीं, आता जाता कुछ था नहीं, गया तो अगल बगल नाड़ी पकड़े है, बगल बगल देखे कुछ मिले ना, ना आलू का छिलका मिला, ना कटहल का छिलका मिला, ना कोई भिंडी का डंठल मिला, ऊंट की काठी रखी थी वो दिखाई पड़ गई, ऊंट की पीठ पे जो कसी जाती है। अब लड़का बोला लाओ यही बता देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे बोला जजमान बहुत बुरा हो गया, आपका मरीज तो पूरा ऊंट ही खा गया। घर वाले बोले वैद्य है कि पागल है, ऊंट तो चरने गया है। तब तक वैद्य जी आ गए, घर वाले बोले बाबा कैसे चेले को भेद दे रहे हो, ये कह रहा है कि ऊंट खा गए। वैद्य जी बोले तुम समझ नहीं पाते हो, मेरा चेला तुतला के बोलता है, सोंठ को ऊंट कहता है। सोंठ खिलाया था क्या? बोले हाँ हम लोग सोंठ ज्यादा खिलाते। अरे बोले वही तो शंकर भगवान ने संभाल लिया, माता श्री कौशल्या परात में सरफी भर के लाई, बाबा तुच्छ भेंट महल की तरफ से, और आदेश करें महाराज आश्रम बनाना है तो जमीन ले, गौशाला खोलना है तो गाय ले। शंकर भगवान बोले मैं त्यागी हूं, हालांकि हमारे देश के महात्मा गौशाला के लिए आश्रम के लिए आप जैसे लोगों से ही मांगते थे, सबसे नहीं। शर्मा जी अभी रखो, अभी ऐसे रखो, बड़ा माला वाला शर्मा जी ले आए हैं, हमारे बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं व्यापारी भी हैं दोनों। महामना मालवीय जी ने जब अपील की तो आपने ही वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, आप लोगों ने बड़े बड़े आश्रम बनाए। किसी गृहस्थ के यहां 10 आदमी पहुंच जाते हैं तो अड़चन हो जाती है, लेकिन आश्रम में 100 लोग पहुंच जाते हैं तो दाल रोटी आसानी से मिल जाती है। ये आश्रम की महिमा है। आश्रम माने आश्रय, जहां पर गरीब अमीर को भेदभाव भुला के आश्रय दिया जाए उसे आश्रम कहते हैं, वही आश्रम। आप लोगों का आश्रम श्री अयोध्या धाम में, जिसके विकास के लिए माननीय हमारे नित्यानंद तिवारी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए हैं, वाराणसी के आप बड़े सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 15-16 डिग्री कॉलेज आपके अंडर में जिनको आप देखते हैं, और भी तमाम धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आप देखते हैं, और हमने अपील आपके बीच में भी की, 101 कमरे का जो प्रस्ताव पारित हुआ पिछले साल जिसमें तमाम व्यवस्थाएं हो भी गई, 1000 आदमी का बैठने का एक हॉल, माननीय श्री शंभूलाल जी साहनी हमारे शिष्य हैं बंबई के इंटरराष्ट्र प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हॉल बनाने की पूरी घोषणा 20-25 लाख रुपए में जो भी बनेगा अकेले की, और भी भक्तों ने 8-10 कमरे राजस्थान आदि के भक्तों ने की, और मैं अब करावल नगर के भी उन पुण्यात्माओं का नाम लेने जा रहा हूं। ये बात सही है कि हर कोई कमरा नहीं बना सकता, कमरा बनाने में 2 लाख रुपए लगते हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं है। तमाम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में मेरा कुछ ऐसा हो कि जहां जाएं हम रुकें, तो यदि आप छोटा भी मकान बनाएंगे तो 20-25 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन एक कमरा यदि आपके नाम का होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे आपके पोते आपके रिश्तेदार आपके मोहल्ले वाले वहां जाएंगे, देखेंगे तो गर्व की अनुभूति होगी। फिर भी कमरा बनाना सबके लिए कठिन है, तो उसमें आप सीमेंट का सहयोग कर सकते हैं, 100 बोरी 50 बोरी 20 बोरी 10 बोरी आदि आदि। मैं सबसे पहले साधुवाद आशीर्वाद देना चाहता हूं यहां के उद्योगपति समाज सेवी श्रीमान वासुदेव मिश्र जी, जिन्होंने एक कमरे के निर्माण की घोषणा श्री अयोध्या धाम में साकेत धाम में की है, जोरदार ताली। देखो घोषणा तो बहुत लोग कर देते हैं,
आपके पास 2 महीने बाद राशि की व्यवस्था हो रही है कि 1.5 महीने बाद हो रही है, ये जरूरी नहीं कि आज दें तो अति उत्तम है, क्योंकि दान की राशि ये जितनी देर लगाएंगे ये दान उतना ही देने नहीं देगा, और आप उसको चेक दे सकते हैं, क्योंकि चेक ट्रस्ट के अकाउंट में जाएगा। ट्रस्ट 80G 12A के अंतर्गत दान कर मुक्त है, जो आपको इनकम टैक्स में सहयोग करेगी ये रसीद। तो आप चेक दे दें 2 महीने के बाद का दे दें, 2.5 महीने के बाद का दे दें, लेकिन एक रास्ता अवश्य क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, दोबारा ताली बजाएं श्री वासुदेव जी के लिए। दूसरे हमारे भामाशाह परम उदार संत सेवी समाज सेवी श्री राकेश मिश्र जी, जिनकी बहुत महती भूमिका इस कार्यक्रम की रचना में रही है, एक बार जोरदार राकेश मिश्र जी के लिए भी ताली बजाएंगे। एक कमरे के निर्माण की घोषणा श्री साकेत धाम में श्री राकेश मिश्र जी के द्वारा भी हुई है। तीसरा नाम जो हमारे MCG के चेयरमैन रह चुके हैं, पूरी दिल्ली के चेयरमैन रह चुके हैं, और देखकर कोई बता नहीं सकता, खड़े हो जाए थोड़ा हमारे नेताजी श्रीमान ठाकुर अवधेश सिंह जी, कौन नहीं जानता है आपको। आपने अपनी मित्र मंडली और टीम को गठित करके एक कमरा बनाने की घोषणा की है, जोरदार ताली हमारे श्रीमान अवधेश जी। हमने कई बार कहा कि आप कुर्सी पर बैठिए, लेकिन बोले कुर्सी पर बैठकर कथा नहीं सुन सकते, और पहले कार्यक्रम से जुड़े आप राजस्थान तक आश्रम जाते हैं और कहे अयोध्या का निर्माण जब शुरू होगा तो मैं 1 महीने वहां कुर्सी डाल के बैठूंगा, क्योंकि ठेकेदारी का मुख्य काम हमारा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम बनवाते हैं और वहां बनवाएंगे महाराज जी खड़े होके। इस बात पर भी जोरदार ताली। हमारे शिष्य हैं राममूर्ति मिश्रा जी, जिन्होंने कथा शुरू होने के पहले पूरी टीम को 5-7 लोगों को रोक करके उनका भोजन प्रसाद कराया, खूब सेवा की, और अगर 20 आदमी भी घर पर पहुंच जाएं तो ये नहीं कहेंगे कि अलग रुके, भले जगह कम हो तो बड़ी सेवा करते हैं। इन्होंने कहा गुरुजी अभी कुछ आशीर्वाद दीजिए, धंधा और बढ़े, लेकिन फिर भी मैं 100 बोरी सीमेंट लगभग 41,000 रुपए की होती है आश्रम में सहयोग कर रहा हूँ। आप सीमेंट भी दे सकते हैं, आप कमरा नहीं बना सकते, आप 1 बोरी सीमेंट भी दे सकते हैं, उसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि उस आश्रम में कमरे बनाने वाले का स्वागत है। आप 1 बोरी सीमेंट देंगे तो नींव में लगेगी, फाउंडेशन में लगेगा। दूसरा नाम मैं लूंगा, परम संत है, जैसे नाम है वैसे काम भी है, ऋषि गोस्वामी जी बिल्डिंग मटेरियल के माने जाने व्यापारी हैं, लेकिन रिक्शा लिए ईंटा लादे आपको गली में मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं ये क्या कर रहे हो, बोले महाराज संतोष मिलता है, जड़ को नहीं छोड़ेंगे। ऋषि गोस्वामी जी के द्वारा 51 बोरी सीमेंट की घोषणा की गई है लगभग 21,000 रुपए की, ऐसे दानदाताओं को। और ये मेरे करने से कुछ नहीं होगा, इसमें जब प्रोत्साहित करेंगे माननीय नेता अवधेश सिंह जी हैं, गुरुदेव गुप्ता जी हैं, हमारे DP ओझा जी हैं, माननीय समाज सेवी भैया वासुदेव मिश्रा जी हैं, हमारे माननीय राकेश मिश्रा जी हैं, धूरा राम यादव जी हैं, हमारे सभी इस संरक्षक मंडल के जितने महान भाव हैं सबको मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं। भगवान श्री शंकर बोले माता श्री कौशल्या से, मैया मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि ये योगी जब दोबारा तेरे महल के सामने आवे तो अपने बच्चे का दर्शन करा देना, और मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तेरे पुत्र के दर्शन के लिए आया था, ऐसा कह करके श्री महादेव चले आए। तो आज चौथे दिन की कथा विराम ले रही है, और माननीय मंच संचालक ओझा जी को मैं बुलाऊं, इसके पूर्व 2 मिनट ये माइक कार्यालय कहाँ गया, माननीय नित्यानंद तिवारी जी बाबा विश्वनाथ की नगरी से पधारे हैं, आपसे निवेदन है